भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों की हुई बैठक, नामांकन को लेकर बनाई गई रूपरेखा। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट के भारत आदिवासी प्रत्याशी और वर्तमान 84 विधायक राजकुमार रोत ने बताया कि भारत आदिवासी पार्टियों की पदाधिकारियों की बैठक डूंगरपुर में आयोजित की गई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि 3 अप्रैल को भारत आदिवासी पार्टी नामांकन दाखिल करने जाएगी, जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की जनता उनके समर्थन में दिल से आएगी और भारी समर्थन के बीच नामांकन दाखिल करेंगी और आगामी लोकसभा चुनाव में यही जनता उन्हें भारी बहुमत से विजय दिलाएगी। राजकुमार रोत आज सुरेला में पारंपरिक गीर नृत्य में भी सम्मिलित होंगे, जिसमें भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। इस दौरान क्या कहा उन्होंने, एक बार सुनिए जरूर। आज हमारे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक थी, उस बैठक में हमारे राष्ट्रीय से लगा के प्रदेश और जिला अध्यक्ष जी, जिला टीम, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि एकत्रित हुए थे। पार्टी पदाधिकारियों ने तय किया है कि 3 तारीख को नामांकन होगा और उस नामांकन में हम शांतिपूर्वक तरीके से गवर्नमेंट की, चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुरूप हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपनी स्वेच्छा से नामांकन दाखिल करने जाएंगे और हमें आशा उम्मीद है कि हमारे समर्थन में डूंगरपुर बांसवाड़ा की आम जनता दिल से हमारे नामांकन में आएगी और लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ेगी और अवश्य शानदार तरीके से एक नामांकन होगा और आने वाले समय में यही जनता लोकसभा चुनाव जो 26 तारीख को जो मतदान होना है उस दिन अच्छा भारी बहुमत देके हमें जिताने की लगी रहेगी। 3 तारीख को नामांकन है और हम लोग 1 बजे के आसपास नामांकन दाखिल करेंगे। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।